और आज का वीडियो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। आज का वीडियो है ये DIY। ये एक फ्लावर पॉट है जो कि बहुत ही आसान है बनाना, और मैंने कैसे बनाया है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए क्विक रिमाइंडर है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और उसके बराबर में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। और क्या करना है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीके का ग्लास, ये कांच का वाटर ग्लास है, ये ले रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कर्व है, डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये देखने में अच्छा लगेगा और बनने के बाद में ये अच्छा लगेगा। और साथ ही मैंने 5 से 6 चम्मच लिया है ये वाइट सीमेंट। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि POP की जगह व्हाइट सीमेंट या पुट्टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में पुट्टी या व्हाइट सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं वो DIY मैं आपको बता रही हूँ। तो आज ये मेरा पहला DIY है जो मैं आपको व्हाइट सीमेंट के साथ में बता रही हूँ। तो ये व्हाइट सीमेंट लिया है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा पानी। आप देख सकते हैं ये आधा ग्लास पानी है और इसको भी मैं बहुत थोड़ा यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें पानी हल्का हल्का करके डालें और एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। और अगर आपको ये शिकायत होती है, कई फ्रेंड्स मेरे बोलते हैं कि उनका जो POP का पेस्ट है वो सूखने के बाद में टूट जाता है या क्रैक हो जाता है उनका प्लांटर, तो आप उसमें POP अगर यूज़ कर रहे हैं और उसका वो टूट रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा कोई भी PVA ग्लू ऐड कर सकते हैं। PVA ग्लू ऐड करने से क्या होगा, उसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाएगी और आपका वो टूटेगा नहीं, जो भी प्लांट पॉट आप बना रहे हैं वो टूटेगा नहीं। और बारिश में, हाँ एक चीज़ और कि बारिश में भीगने के बाद में भी वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो डायरेक्ट बारिश में ना रहे। तो आप ये देखिए, ये इस तरीके का बना है मेरा पेस्ट, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, इसमें हमें थोड़ा सा वाइट सीमेंट और ऐड करना है। और आप देखिए, ये मैंने लगभग 2 चम्मच मुश्किल से और डाला होगा और ये बहुत जल्दी जमने लगता है, तो इसलिए आप इसको फटाफट इस तरीके से करें। तो ये देखिए, ये बन गया है मेरा। और अब इसके बाद में मैं स्पून की हेल्प से यहाँ पर अपना ये लगा रही हूँ वाइट सीमेंट। बस इसका ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे क्योंकि फिर हमें चाहिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट। और इसको अंदर हाथ डालते हुए, ग्लास के अंदर हाथ डालें और इस तरीके से आप पेस्ट चारों तरफ लगा दीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि इक्वल ही लगे, कहीं से मोटी या कहीं से पतली लेयर ना लगे। और ऊपर के साइड में भी ग्लास का जहाँ पर है वो मेन होता है ना, ये पोर्शन, यहाँ पर भी अच्छे से लगे। तो मेरा ये लग चुका। इसको डैब डैब करके भी कर सकते हैं आप और इस तरीके से भी फ्लैट करते हुए करते हैं। हमें जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए। आप चाहें तो इसको इस तरीके से खड़ा करके भी कर सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने नीचे के साइड में नहीं लगाया है वाइट सीमेंट, और जहाँ भी आपको लगता है कि आपके वाइट सीमेंट के अंदर कहीं पर भी थोड़ी जो लम्स हैं वो निकाल सकते हैं आप। जैसे कई बारी बजरी वगैरह कुछ मिक्स हो जाती है तो उसको आप निकाल दीजिएगा। और ये थोड़ा आराम से करिएगा क्योंकि ये थोड़ा प्रोसीजर जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप हल्के हाथ से करेंगे तभी ठीक लगेगा, अगर आप जल्दी जल्दी कर देंगे तो फिर ये ठीक से बनेगा नहीं या फिर टूट जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया है मेरा ग्लास पूरा कंप्लीट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए
ये इस तरीके से लग रहा है कुछ, और मैंने नीचे के साइड से नहीं किया है क्योंकि नीचे के साइड से हम पेंट भी कर सकते हैं, और बैट इसको रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाह रही थी कि ये जो प्रोसीजर है ये आप थोड़ा जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि व्हाइट सीमेंट से हाथ कटने का डर रहता है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। और इसके साथ ही ये मैं ले रही हूँ बबल रैप, ये बबल रैप आपको इजीली कहीं पर स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाएगा। और वैसे तो हम जब कोई चीज़ सामान ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन वगैरह, या हमारी कोई भी पैकेजिंग के अंदर भी आता है इस तरीके का बबल रैप, तो मैं ये ले रही हूँ। और मैंने इसको ले करके इस बबल रैप को पूरा अच्छे से यहाँ पर ये इस तरीके से करते हुए मैं प्रेस कर दूंगी इस बबल रैप को पूरे। ये देखिए, थोड़ा प्रेस करते हुए करें ताकि बबल रैप के निशान हमारे बेस में आ जाए। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से दबाया है मैंने, और हम इसको इसी कंडीशन में लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 2 घंटे में थोड़ा ये सेट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और अभी हम इसको यहाँ से इसे बबल रैप से निकाल करके चेक करते हैं कि ये किस तरीके का बना है। और ये देखिए, ये आसानी से निकल रहा है बबल रैप से, और जो एक्स्ट्रा सीमेंट था वो निकल गया है इसमें, और ये इस तरीके का दिख रहा है। ये देखिए, और अब हम इसको इस तरीके से डैप करके एक्स्ट्रा सीमेंट जो है हमने वो झाड़ दिया है, और इसको प्रॉपर ड्राई होने तक के लिए हम इसको धूप में भी रख सकते हैं, हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए धूप में ऐसे ही रख दूंगी, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर करेंगे पेंट, और पेंट किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ्लावर पॉट, तो अब मैं इसमें कलर करूंगी, और कलर करने के लिए मैं ले रही हूँ वही ग्रीन कलर, एक्रिलिक कलर। और आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये ग्रीन पसंद है तो मैं इसमें ग्रीन कलर कर रही हूँ। और इसको कलर करने में थोड़ा आराम से करिएगा, पूरा अच्छे से फिल होना चाहिए, कहीं पर भी ये छूटना नहीं चाहिए। तो पहले आराम से मैं इसमें कलर कर लेती हूँ, और आप चाहें तो अगर आपका थोड़ा बहुत झड़ रहा हो तो उसको इस तरीके से करके रब करके हल्के हाथ से आप ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो सीमेंट होगा उसको झाड़ सकते हैं। और आगे की ये जो है फ्रंट पोर्शन, इसको अच्छे से पेंट कीजिएगा। फ्लावर पॉट जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा मैंने कलर कर दिया है, और इसको लगभग 5 से 7 मिनट में ऐसे ही छोड़ूंगी जिससे कि ये सूख जाए, क्योंकि एक्रेलिक कलर हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तब तक मैं क्या करूँगी, तब तक मैं ले रही हूँ ये एक्रेलिक कलर ही है, ये आप देख सकते हैं पर्ल मेटेलिक कलर है, गोल्डन कलर मैं ले रही हूँ। और इसको मैं इस तरीके से ब्रश पर लिया है मैंने, और ब्रश पर लेने के बाद में ये मैं ले रही हूँ एक फोम का टुकड़ा, फोम के टुकड़े के एक कॉर्नर पर जस्ट मैं इसको इस तरीके से पूरा लगा रही हूँ। ये देखो, ये एक कॉर्नर पर मैंने लगा दिया है इसको। और अब मैं क्या करूँगी, इस कॉर्नर पर लेते हुए ये जो है इसको इस तरीके से डैब डैब करना है मुझे। ये देखो, और अगर आपको लगे कि ये कम हो रहा है कलर तो आप इसके ऊपर थोड़ा और भी ले सकते हैं। ये ग्रीन कलर इसके ऊपर इसलिए आया है क्योंकि मैंने गीले पर ही किया है, इसको सूखने नहीं दिया है, तो इसके ऊपर मैं कलर ले लेती हूँ थोड़ा और। कलर लेने में कंजूसी बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कलर जो भी होगा वो सोक कर लेगा,
ये देखिए, पर इतना ज्यादा भी ना लें कि कलर टपकने लगे, और इसको इस तरीके से पकड़ें आप, ये देखिए, और इस तरीके से डैब डैब करते हुए पूरे फ्लावर पॉट पर हम ये डिजाइन बना लेंगे। मैंने कर दिया है इसमें पूरी तरीके से गोल्डन कलर का पेंट, और कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसमें आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी इसमें लगा सकते हैं, और आप अगर इसमें चाहें तो मनी प्लांट वगैरह भी पानी में डाल करके उसको भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फ्रेश फ्लावर्स वो सॉरी आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, और मैंने इसमें किया है ग्रीन कलर का पेंट। आप चाहें तो अपनी मर्जी से रेड भी कर सकते हैं, और भी कोई कलर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।